बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बिचोली पिपलिया गांव में एक महिला ने अपनी दो मासूम बच्चियों के साथ कुएं में कूद कर आत्महत्या कर ली है। महिला के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि बिचोली पिपलिया गांव में रहने वाली 24 वर्षीय नवविवाहित बत्तीबाई लोधी की एक 3 साल की बेटी दीपाली और एक 8 माह की बेटी अनामिका थी। मायके पक्ष वालों का आरोप है कि उसका ससुराल वालों से अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। उन्होंने मारकर कुएं में फेंक दी है। फिलहाल सुल्तानगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में लिया है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये जो कुआ में कूद के मृतका खत्म हुई है, इनके कौन है आप? क्या चाहे इनके? क्या घटना हो गई? अब लड़ाई भड़ाई चलती सर, लड़का की और दोनों पति पत्नी में। तो पति पत्नी के बीच लड़ाई चलती थी, तो इसकी जानकारी आपको कैसे? अच्छा, समझाइए आपने जी। तो अभी कुएं में कूदने से पहले मृतका ने सुबह ने फोन लगाओ। बच्ची से कब आखिरी बार बात हुई आपकी? बात रक्षाबंधन से बात ही नहीं हो पाई, फोन ही नहीं देते हो। रक्षाबंधन पर गई थी क्या? हाँ, लोहा लेगा जी, लड़का लोहा ले आए सर। अब क्या कार्रवाई चाहते हैं इस संबंध में आप? हम तो सर इस संबंध में कड़ी कार्रवाई चाहते हैं कि जो घटना स्थल देखते हैं समझ रखते जो भाव का है, 3-3 हत्याएं एक साथ हो गए, कोई हल्की बात है क्या? तो आपको इसको क्या मानते हैं, उसने आत्महत्या की है, हत्या ही है? नहीं, उसको तो मार के पट्टी है। बिचोली पिपलिया ग्राम में क्या घटना घटित हो गई? कल रात में मर्ग की सूचना प्राप्त हुई थी, एक महिला अपनी दो बच्चियों के साथ खत्म हो गई कुएं में डूबकर। जे सूचना पर मर्ग पंजीकृत किया गया है, मर्ग जांच पर है।